आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के दौरान समूचे जनपद मिर्जापुर में एक ही बात की चर्चा है कि इस बार चूंकि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी के नेतृत्व में किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। चर्चा यहां तक की है कि जितने भी नगर क्षेत्र में स्मारक या प्राचीन भवन है सभी की सजावट बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ की जा रही है और प्रोग्राम रंगारंग क्या है इसकी भी जानकारी लेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है टीवी में। धन्यवाद धीरेन जी। हम लोगों ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्राचीन धरोहर घंटाघर का जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको सजाने संवारने के लिए और वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पहले भी कवि सम्मेलन का आयोजन होता रहा है, इस बार भी हम लोगों ने भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है जिसमें देश की प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती अनामिका जैन अंबर जी का शुभागमन हो रहा है, उनकी पूरी टीम का आगमन हो रहा है। सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन कि आप स्वयं से आए और कवि सम्मेलन का आनंद लें। निश्चित तौर पर घंटाघर के घड़ी की आवाज़ ही उस दिन पूरा प्रयास है मेरा कि जनता को उस दिन घंटाघर के घड़ी की आवाज़ भी सुनाई पड़े। आप सब जानते हैं कि घंटाघर के ऊपर से ही जो रेखा गई हुई है भैया सिटी ग्रेंस का, वही भारत का मध्य है, वहीं से भारत का समय लिया गया है, उससे भी घंटाघर की ऐतिहासिकता बढ़ जाती है। आज हम सब फिर उस ऐतिहासिक घंटाघर के साक्षी होंगे 15 अगस्त को सायं 6 बजे। साथ ही साथ यहाँ की हमारी जो धरोहर है पक्के घाट में भी फसाद लाइटिंग के द्वारा तिरंगे का स्वरूप दिखाई पड़ेगा 15 अगस्त के दिन। और जैसा कि मैंने अपील पहले भी किया था कि समाज के लोग आगे आएँ, संगठन आगे आएँ, इसी क्रम में प्रबोधिनी महिला फाउंडेशन की जो फाउंडर है श्रीमती नंदिनी मिश्रा जी के द्वारा, विभूति मिश्रा जी, नंदिनी मिश्रा जी के द्वारा एक पार्क गोद लिया गया था बसही में, आज वहाँ पे भी भव्य उस पार्क के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। उसमें माननीय नगर विधायक श्री रत्नाकर मिश्रा जी भी उपस्थित थे और श्रीमती दिव्या मित्तल जी जिलाधिकारी भी वहाँ। उस एक उदाहरण है नंदिनी मिश्रा जी जैसे लोग, अजिता श्रीवास्तव जी ने भी डंगहर में जो हमारा डंगहर बस्ती है वहाँ पे भी एक पार्क का उन्होंने गोद लिया है, वहाँ भी साफ सफाई करके वृक्षारोपण वगैरह का काम वहाँ किया गया, आप लोगों ने विगत दिनों देखा है। इसी क्रम में अन्य घाटों और चौराहों पर भी समाज के लोग आगे आ रहे हैं, स्वयं से बढ़कर इस नगर को स्वच्छ स्वस्थ सुंदर बनाने में लगे हैं। मैं आभारी हूँ ऐसे सभी संगठनों का जिन लोगों ने इस नगर को सुंदर नगर बनाने में नगर पालिका परिषद के साथ खड़े हैं। चूंकि अध्यक्ष जी, मेरी माटी मेरा देश और मेरा गांव मेरा स्वाभिमान जैसे तमाम योजनाओं पर भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप के तमाम फॉलोअर्स हैं, लाखों की संख्या में आपके फैंस भी हैं जिले भर में, क्या अपील करेंगे कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो किस तरीके से बढ़ चढ़ के लोग मनाएं? निश्चित तौर पे मेरा माटी मेरा देश ये जो स्लोगन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक अभियान भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के अंदर चला गया उसका असर मिर्जापुर में भी आप सबने देखा किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति की रसधार भर बह रही है। विगत दिनों हम लोगों ने महावीर पार्क में शिला फलकम का लोकार्पण किया था, इसमें हमारे मिर्जापुर नगर के शहीदों का नामोल्लेख है। साथ ही साथ कल दिनांक 15 तारीख को वहाँ पे 75 वृक्ष भी लगाए जाएंगे आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर। और कल के दिन ही हम लोगों ने प्रसिद्ध घंटाघर के हाल में पुनः अपने नगर क्षेत्र में निवास करने वाले जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं जिनका कार्य उत्कृष्ट है, इन हजारों कर्मचारियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऐसे 75 कर्मचारियों को विशेष सम्मान से नवाजा गया है। मैं ऐसे सभी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामना भी देता हूँ, उनसे प्रेरणा लेके अन्य कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेके वो भी ऐसा उत्कृष्ट कार्य करें कि उनका भी सम्मान आगे चल के नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा किया जाए। जिस तरीके से तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है, कहा यहाँ तक जा रहा है कि ऐसे तमाम गुमनाम लोग भी हैं जिनका मुख्य रोल रहा है स्वतंत्रता दिलाने में, आपको लगता है कि ये जो अवसर है इसमें लोगों को सेलिब्रेशन बढ़ चढ़ के करना चाहिए? निश्चित तौर पे बढ़ चढ़ के करना चाहिए। शिला फलकम के उद्घाटन के अवसर पे हम लोगों ने ऐसे कई परिवारों को वहाँ पे बुलाया था जो इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए थे और उनके परिवार के लोग वहाँ उपस्थित थे। जब उन ऐसे परिवार के लोगों से जब हमने वहाँ पर उनका उद्बोधन सुना, उनके बारे में जानकारी लिया, हमको भी समझ में आया, मैं इस नगर का नगर पालिका अध्यक्ष होने के बावजूद भी सभी शहीदों को नहीं जानता, लेकिन वहाँ आने के बाद लगा कि आज मौका अच्छा है हम सब इसको जाने कि हमारे नगर में भी ऐसे ऐसे क्रांतिवीर परिवार हैं। ये हमारे युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है, वो भी जाने कि हमारे नगर में कैसे कैसे हमारे पुरखे पुरनिया इस देश की आज़ादी के लिए, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने हमसे बात किया। तो जिस तरीके से मेरी माटी मेरा देश के अभियान में बढ़ चढ़कर समूचा जनपद मिर्जापुर, खास तौर पर नगर पालिका क्षेत्र मिर्जापुर, इस वक्त प्रत्येक नागरिकों में बहुत ही लोग हर्षित महसूस कर रहे हैं। चूंकि श्याम सुंदर जी का भी यही मानना है कि जिस तरीके से लोग शादियों को सेलिब्रेट करते हैं, घर में अगर नया न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वही सेलिब्रेशन होना चाहिए। हर घर झंडा अभियान को भी बढ़ चढ़कर मनाने की अपील की जा रही है। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।